क्या काम करते हैं साल भर, मतलब एजुकेशन के ऊपर आप लोग? देखिए हम लोगों का एक फाउंडेशन है जिसका हाईवे फाउंडेशन जो शुरू बहुत दिनों से काम कर रही है, और 2015 से काम कर रहा है, और ये मुख्तार साहब हमारे चेयरमैन हैं जिनके नज़रिया उन्होंने दिया है इस काम को, काफ़ी उनके अंडर में काम चल रहा है, उनकी सोच बहुत अच्छी है, उसी सोच को हम आगे लेके चलते हैं उनके इंस्ट्रक्शन से, उनके गार्जियन से। तो हाईवे फाउंडेशन में बहुत सारा काम होता है और उसमें लोगों पर मदद भी की जाती है, जब रिसेंटली बहुत सारा काम हुआ भी है जो काफ़ी दिनों से चल भी रहा है। हाल के दिनों में मैंने एजुकेशन पर काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किधर जाना है। बहुत से बच्चे आते हैं जिनको मालूम नहीं रहता है कि इस तरह को डब्ल्यूबीसी से एग्ज़ाम देना है, कैसे करें, कितना महंगा एग्ज़ाम होता है, पढ़ाई काफ़ी, एक एक साल में लोग लाख लाख रुपये खर्चा करते हैं। तो मुख्तार साहब ने एक बार सोचा, बहुत दिनों से उनका ख्वाहिश भी थी कि हम कुछ एजुकेशन पर काम करें, उन लोगों ने एक टीम बनाई मुख्तार साहब ने, और हम लोगों को उस टीम में शामिल रखा और हम लोगों ने काम किया। बहुत कम पैसे में उन्होंने डब्ल्यूबीसी का कोचिंग करना शुरू कराया, यकीन मानिए इतना कम पैसा सोचने से बाहर। फिर उन्होंने और भी सारी चीज़ को काम किया, उसके अलावा भी उन्होंने किया कि बहुत सारे बच्चे जिनको पढ़ने के लिए रास्ता नहीं निकल रहा, जैसे 10 ड्रॉप हो जा रहे हैं बच्चे, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ठीक है ऐसा करो, माध्यमिक और HS के बच्चों को, वो बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। हम उन्होंने कुछ बच्चों को अलग अलग बोर्ड से करने कोच मिलकर, जो बच्चे आते थे मदरसा बोर्ड हो या NIS बोर्ड हो, तो उन्हें बहुत कम पैसा, जो जेन्युइन फील होती है, बाजार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उल्टा पुल्टा पैसा लेते हैं बच्चों से और फिर उनका सही से एग्ज़ाम नहीं हो पाता, बच्चे फेल कर जाते हैं, तो उन्होंने कम पैसे में उनको पास करने का दिया है मुख्तार साहब की यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम दिलाया है, अब इतने पैसे लगाए जितना में उनका काम चल सके, या बहुत सारे लोगों बच्चा को मदद भी उन्होंने किया। फिर उन्होंने डब्ल्यूबीसी तैयारी के लिए एक साल का कोर्स शुरू किया, जिस कोर्स में सिर्फ 45,000 रुपया उन्होंने रखा फीस एक साल का, उसमें भी 20,000 रुपये वो खुद से उन्होंने अपने पास से, उन्होंने क्या किया, सब्सिडी नहीं, उनका स्पॉन्सरशिप किया, उन्होंने अपने तौर पे पैसा 20,000, फिर 25,000, उन्होंने साल में सिर्फ 25,000 रुपये लिया और बाकी 20,000 खुद से उन्होंने स्पॉन्सरशिप लिए या स्कॉलरशिप लिए उन्होंने देने की कोशिश की, ताकि ये इंस्टीट्यूट चल सके। तो ये एक अच्छी शुरुआत थी और लगातार 2 साल 3 थर्ड ईयर चल रहा है, बच्चे भी समझे चुके, काफ़ी बच्चे हैं, तो कई बच्चों को फ़ायदा हुआ है, कुछ बच्चे निकले, 4-5 बच्चे 20,000 भी कर रहे हैं, क्रैक किए हैं, जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर पहुँचे हैं, और विशेष पिछले साल में उन्होंने निकाला था बच्चों ने, इस तरह से काफ़ी आगे बढ़े। इसके अलावा एडमिशन में जब बात आती है तो हम लोगों ने नीट के लिए भी तैयारी करवाने की कोशिश किया है, ये नीट के लिए फिर जहाँ भी जरूरत पड़ती है बच्चों को कोचिंग करते हैं, भैया तुम करना क्या है, कैसे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ना चाहिए, तुम्हारे 10 के बाद क्या कर सकते हो, 12 के बाद क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन करोगे कैसे करना, किस कॉलेज से पढ़ता क्या ईजी हो जाए, अगर तुम कहीं जॉब कर रहे हो तो डिस्टेंस में कैसे क्लास करोगे, बीएड करना है कैसे करो, डीएलएड करना है कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें बताना शुरू किया। और जो बच्चे हम लोग बताते हैं हेल्प भी करते हैं, यहाँ तक इंस्टॉलमेंट में उनका पैसा लेते हैं, स्कॉलरशिप के जरिए भी कुछ पैसा का हेल्प करवा देते हैं। ये हम लोगों की सोच है, वो सोच में सब कुछ यकीन मानिए जो मुख्तार साहब ने हम लोग को मदद दोहराया है, बताया कैसे क्या करना चाहिए, उन्होंने किया है। हमारा माथा है बोलते हो ना, इधर जिसने चाहे मुख्तार साहब अनेक दिन थे चेष्टा कर रहे हैं, उन्हीं तो अपने जॉइंट मुख्तार साहब अनेक दिन थे कि समाज सेवा कर रहे हैं, उन्हीं आगे अपना ये जतिन खाना तक छिले नौकरे बोले ग्रेजुएशन काज करते सब 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 करते हैं उन्हीं, तारपर उन्हीं हाजी हज हाउसे उन्हीं चेष्टा कर अनेक एजुकेशन का काज करते हैं, अनेक आगे थे चेष्टा कर लें, किंतु 2015-16 थे उन्हें ये लाइन थे किस काज आगे बढ़िए 15-16 থেকে শুরু করেছেন, এখন ওনারা একটু আগে বেড়েছে, মনে হচ্ছে WBCS কোচিং সেন্টার ট্যাচ করে নেয় সেন্টার চলছে খুব ভালো, ওর মধ্যে খুব কম টাকা নিয়ে বাচ্চাকে এক বছর ধরে কোর্স করা হচ্ছে, ওর সঙ্গে একটা ডিবি হচ্ছে, জিবি হচ্ছে, অনেক কিছু আছে, কম্পিটিশন কোর্স করা হচ্ছে, গত মাসে আপনার যে টেট এক্সাম হচ্ছে ওর জন্য 3-4 মাস প্র্যাক কোর্স হয়েছে, ওনার অনেক খরচা করে ওনার ঘর থেকে টাকা লাগিয়ে অনেক কোচিং প্রোগ্রাম করেছে উনি, আর মাঝখানে আপনারা মিলি কলেজে ভি আমরা একটা প্রোগ্রাম কোচিং প্রোগ্রাম করেছিলাম উনি মোটিভেশন প্রোগ্রাম, ওর মধ্যে অনেক খরচা করে সব ছেলে মেয়েকে, ওর মধ্যে আপনি দেখেছেন না, যদি আপনি প্রোগ্রাম দেখবেন আপনি ইউটিউবে আছে ওনারটা সব কিছু দেখতে গেলে বলতে পারবেন ওনার কত কাজ করেছেন, বলতে গেলে আপনি বলতে পারেন যে মুখতার সাহেবের যে মাথা প্রথম দেখেই ওনার এটা এডুকেশনের কাজ অনেক সময় করতেন উনি, এখন ওনার চেষ্টা করছেন যত আগে বাড়তে। আচ্ছা লকডাউনের সময় তো আপনার পুরোপুরি বন্ধ ছিল, লকডাউনের পরে আপনি এখন কেমন সারা পাচ্ছেন? লকডাউন মধ্যে কাজ হচ্ছিল কিন্তু অনলাইন হচ্ছিল, কাজ তো বন্ধ হয়নি, ঠিক আছে ওয়ার্ক ফর হোম যা হচ্ছিল ওই রকম এডমিশন হতো, তারপরে এডমিশন ভি অনলাইন হতো, এডমিশন হওয়ার পর এক্সাম অনলাইন হতো। আমি তো কত টোটাল বাচ্চে আপনি ওখান থেকে নিকলে কিস পে টেস্ট মে টেস্ট নোভিসিস মে লগভগ 2 সাল কে অন্দর মে লগভগ 8-10 বাচ্চে নিকল চুকে হ্যায়। মান লিজিয়ে যো লড়কা 10 কা এক্সাম দিয়ে উদাহরণ তৌর পর
मान लीजिए फेल कर गए, अगर आप लोग फिर क्या उसको परीक्षा दिला सकते हैं? आता है बच्चा तो हम रजिस्ट्रेशन करा के एनएच बोर्ड से एग्जाम दिलवा दें, फिर चाहे जिस कॉलेज में जिस स्कूल में चाहे एडमिशन करा सकता है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जा सकता है, उसकी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है वो, गवर्नमेंट उसको मान्यता करता है, और कहीं भी किसी भी, मेरे पास नर्सा बोर्ड के ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन करने के बाद क्रैक किया है डिलीवरी से एग्जाम, उसी तरह से एनएच से भी है, बहुत सारे टीचर में जानने वाले, और उसी तरह से करके आए, ऐसा कुछ नहीं है, वो वही बोर्ड से कराएंगे जो बोर्ड आपको इंडिया गवर्नमेंट मान्यता देती है। एक पश्चिम बंगाल में है कि बाहर दूसरे राज्यों में भी आपका दूसरे राज्यों में से बच्चे आते हैं हमारे पास, यहाँ के बच्चे भी हैं, जिसको जहाँ सहूलत लगती है वहाँ से लोग बच्चे बात करते हैं, फिर उनका वही रास्ता निकाल देते हैं। मान लीजिए कितने बच्चे होते हैं पैसा दे देते हैं फिर फंस जाते हैं आते जाते हैं, इसके लिए अगर किसी खुदा ना खास कोई बच्चा पैसा देता उसका काम नहीं होता, मैं पैसा रिफंड करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, हमारी मेरी गलती होगी हमसे रिफंड करेगा, उन्होंने जानबूझ के ऐसा कोई काम किया गलत तरीके से, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया और जानबूझ के उन्होंने वक्त पेमेंट नहीं किया, तब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ अगर हमारी वजह से कुछ होता है तो हम ये नहीं, हम कॉलेज है किसी इंस्टीट्यूट का बदनाम नहीं करेंगे, बल्कि चलो भाई हम तुम्हारे रिफंड कर देते हैं, चाहे हमारे बोर्ड से ज़्यादा क्यों नहीं मिले, हम किसी बच्चे फंसाएंगे, यहाँ तक कि हम कोशिश करेंगे कि जो पत्ते हम बच्चों को, या यकीन मानिए एक मेरे पास एक ऐसा रिक्शा चलाने वाला बच्चा आता है, उसको कहता है सर हम बेड करेंगे, सिर्फ 2000 रुपये एडमिशन कराता है, ओनली 2000 रुपये किसी बेड में एडमिशन नहीं हो सकता सर, और यकीन मानिए 2000 रुपये महीना करो दे रहा था वो, हमने कॉलेज से बात करें वो थोड़ा थोड़ा करके साल डेढ़ साल हमने पैसा फुलफिल कराया, और सिर्फ ओनली 70,000 रुपीज़ में उसका एडमिशन कराया कम्प्लीट करवाया, यानी कि जो कॉलेज के रिक्वेस्ट करके सर आपको हेल्प कीजिए उन्होंने करवाया। ऐसे बच्चे आते हैं जो बच्चे ट्यूशन पढ़ा के बच्चे अपना फीस देते हैं और फिर हमारे तरफ से कोई हेल्प मिलता है, हम उसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते हैं ताकि वो उनका काम हो जाए, फिर उनसे रिक्वेस्ट करते तुम भी आने वाले दिन में और लोगों के लिए मैं तुम हेल्प करूँ, ऐसा ही चल रहा है, ये तो चेन बाय सिस्टम है। ऐसा नंबर आप फ़ोन नंबर हम लोग के चैनल को बता देते कि कोई बच्चा आपको संपर्क में चाहे तो उन नंबर से आपको कॉन्टेक्ट करें। सरकार को उन्होंने नंबर दिया है और हम उम्मीद करते हैं वो 9339085880 फिर से बता रहा नंबर भाई आप कीजिए 9339085880 इस नंबर पर पसंद कीजिए, और कोई भी तकलीफ होगी किसी भी तरह की जरूरत है किसी भी आप कोई भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं आप हमसे लीजिए, हम काउंसलिंग करेंगे, बताएंगे कैसे आपको करना है, कौन से रास्ता से कैसे निकल सकता है कोर्सेज, जैसे हमें डी फार्मा पर बहुत सारे बच्चे आते हैं करना है सर कैसे क्या करने मालूम रहता है, उल्टी पुल्टी जगह चले जाते हैं, बहुत सारे कॉलेज का ये नहीं होता रजिस्टर नहीं होता फिर भी लोग एडमिशन ले लेते हैं, बच्चे फंस जाते हैं, होता नहीं एप्लीकेशन नहीं होता है तो फंस जाते हैं, बहुत सारे बीएड कॉलेज में क्या होता है बच्चे का एडमिशन ले लेते हैं लोग, उसका रजिस्टर होता नहीं क्योंकि गवर्नमेंट पोर्टल खोलता है, पोर्टल में रजिस्टर नहीं होगा एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन ले लिया पोर्टल में रजिस्टर नहीं हुआ तो बेचारा एक साल बर्बाद हो गया, तो हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया, हमने बच्चे खुद तुम्हारा जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उस वक्त तुम खुद आओ रजिस्ट्रेशन तुम खुद अपना खुद करो, नहीं होगा तो हमसे हम करेंगे तुम्हारा सामने करेंगे ताकि तुम्हारा साल बर्बाद हो और पैसा बर्बाद हो, इसलिए हम चाहेंगे कि कोई बच्चा को नहीं समझ में आता है किसी तरह कोई भी जरूरत हो आप फोन कीजिए, आप हेल्प लीजिए हमसे, पूछिए कि आपको कुछ करना चाहते हैं कहाँ कैसे हेल्प मिलेगा, हम काउंसलिंग करेंगे और फ्री ऑफ कोर्स करेंगे, सबसे बड़ा 24/7 करेंगे, आप 2400 घंटे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, रात के 12 बजे अगर जरूरत पड़ती याद करता नहीं सर से हम ये बात करना है आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हर समय आपके लिए हैं, अगर जरूरत पड़े कहीं कहीं बिजी भी रहे 10 मिनट आठ बजे बात कर लेंगे आपसे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका नाम? वैसे मेरा नाम रहमतुल्ला खान है बट आप हाजी फाउंडेशन नाम से टैग भी मेरा चल रहा है, हमारा ऑर्बिट के नाम से चलता है जो मुख्तार साहब के अंडर में चलता है वो ऑर्बिट कंसल्टेंसी, और मेरा नाम है रहमतुल्ला खान बट रहमत करके सभी जानते हैं, हमारे कॉलिंग कमरान भाई हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी जानते हैं रहमत भाई करके बोलते हैं लोग, हम चाहेंगे भाई रहमत भाई के नाम से कॉल करेंगे हमेशा अब हमेशा, लेकिन हमारे सब कुछ सर्विस हमारे चेयरमैन ऑर्बिट कंसल्टेंसी और टैज के मुख्तार अली साहब। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं अनेक क्षेत्र में ऐसे जो कि बोला एलएलबी को थोड़ा जानना है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम देते हो एंट्रेंस एग्जाम क्लैटे बोलते हो क्लैटे एग्जाम ना पास करते गले तो असुविधा हो जाए, तो अनेक कॉलेज वहाँ के जहाँ से बैक एग्जाम एडमिशन नहीं है, यदि क्यों एरकम लोग आए ना बाबा हमें एंट्रेंस दीते पारो ना पास करते पारो ना क्लैट दीते पारो ना क्लैट पास ना करते पारो, हमें एलएलबी की करे करो हमारे कहा आसूँ हमें रास्ता बेर करो हमारे कहा कॉलेज आज डायरेक्ट एडमिशन होते पारे, अनेक ऐले मे आसे जे भाई हमें चाकरी करी की करे क्यों होगा हो हम और जो रास्ता बेर करते पारी, यदि आपने आसें हमारे कहा हमें रास्ता बेर करो कम हो ঠিক আছে এই জন্য আপনি অপিল করছি আপনার থেকে যদি আপনার কিছু অসুবিধা আছে সব এডুকেশন জন্য আমার কন্ট্যাক্ট করুন, আমার নম্বর আপনি জানাশোনা আছে ওই নম্বরে কন্ট্যাক্ট করলে আমি আমার রাস্তা বের করবো, ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ।